नमस्कार दोस्तों, आज का ये प्लान 42 बाई 36 फीट के प्लाट के ऊपर रेडी किया गया है। पूरा प्लान वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके लिए रेडी किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हमारे चैनल पर मोस्टली सारे वीडियो वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं ताकि आपको अपने सपनों के घर बनाने में मदद मिल सके। सबसे पहले देखिए, अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बनाएं ताकि आपको इन फ्यूचर भविष्य के अंदर आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो लोग वास्तु शास्त्र के अनुसार बने हुए घरों में रहते हैं उनकी प्रोग्रेस और उन्नति काफी अधिक होती है और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। ये चीज हमेशा देखने को मिलती है। अगर आप वास्तु के अनुसार बने हुए घर में रह रहे हैं तो आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो काफी अच्छी होगी। आज का ये जो प्लान है ये आपका रहेगा पूर्वमुखी प्लान, यानी कि पूरा प्लान आपका पूर्व दिशा की तरफ। अगर आपका प्लाट है, पूर्व दिशा वो होती है जिस तरफ सूर्य उदय होता है, तो आपका अगर प्लाट के आगे से सूर्य उदय हो रहा है तो आपकी पूर्व दिशा है, यानी कि ईस्ट फेसिंग आपका प्लाट है। तो इस प्लाट की देखिए, इस कॉर्नर से लेकर यहां तक जो चौड़ाई की हम बात करते हैं 36 फीट है, 36, और सेम जो चौड़ाई रहेगी प्लाट के पीछे की तरफ पश्चिम दिशा की तरफ है, यहां से लेकर यहां तक 36 यानी 36 फीट। प्लाट की हम लंबाई की बात करते हैं तो देखिए, प्लाट की लंबाई पूरी आपकी यहां से लेकर यहां तक 42 है यानी 42 फीट है, और यहां से लेकर यहां तक 42 फीट है, यानी कि प्लाट दोनों तरफ से 36 फीट 36 फीट आगे पीछे से और 42 42 आपकी लंबाई रहेगी, यानी साइड से है प्लाट। इस हिसाब से आपको पूरा प्लान रेडी किया गया है कि आपके काफी यूजफुल रहे। तो देखिए पूरे प्लान को, सबसे पहले देखिए पूर्वमुखी मकान है तो आपका एंट्रेंस गेट यहां से यहां तक होगा। जो आपका मेन लोहे का गेट लगेगा वो आपको यहां से यहां तक लगाना है। अगर आप पार्किंग के लिए बड़ा गेट लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लेकर यहां तक पार्किंग के लिए बड़ा गेट दे सकते हैं। इसके बाद जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं पूरा आपके इस उत्तर दीवार से लेकर दक्षिण की दीवार तक पूर्व दिशा पूरी ओपन छोड़ी गई है। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा और ईशान कॉर्नर जितना ओपन रहता है, जितनी खुली जगह रहती है गार्डन के लिए और हवा के आवागमन के लिए, उतना ही वो घर शुभ माना जाता है। क्योंकि अपना जो ये जो कॉर्नर रहता है, ये ईशान कॉर्नर, ये वास्तु पुरुष का यहाँ पर सर रहता है। ये एरिया जितना ओपन रहेगा उतना ही शुभ होता है। पूर्व की दिशा जितनी ओपन रहेगी उतनी शुभ है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरी पूर्व दिशा हमने ओपन छोड़ी है, और देखिए पूर्व दिशा से लेकर उत्तर दिशा तक यहां तक एक गैलरी दी गई है छोटी, ठीक है, 3 फीट के लगभग गैलरी दी गई है ताकि पूरा एरिया आपके ओपन रहे इधर का, और आपके घर का वास्तु और भी शानदार रहे। तो कैसे नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है अपने घर के लिए, देखिए ये पूरा एरिया आपका पार्किंग रहेगा, इधर आपका गार्डन वगैरह लग जाएगा। आप बाहर बच्चों के लिए झूला लगाना चाहते हैं तो स्विंग आपका झूला वो लग जाएगा, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो कॉर्नर रहेगा ईशान कॉर्नर, यहाँ पर जो निशान देख रहे हैं यहाँ पर आपका बोरवेल बन जाएगा। भूमिगत जो पानी का स्टोरेज टैंक होता है वो भी यहाँ पर आपको बनाना है। यथास्थान आपको वास्तु के अनुसार पूरी चीजें कहाँ बनानी है पूरी डिटेल से इसमें दी गई है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। प्लाट के देखिए दोनों तरफ, इस साइड में पड़ोसी का मकान है, इधर ही पड़ोसी का मकान है। सिर्फ आपका आगे का फ्रंट और पीछे का बैक साइड ओपन है, यानी कि दो साइड आगे पीछे की ओपन है और दोनों तरफ पड़ोसी का मकान है। तो पूरा प्लान बहुत शानदार होने वाला है। अब देखिए ये जो गेट है मेन, इसके ठीक सामने आपका जो अंदर का जो चौगेट लगेगा, मेन गेट लगेगा घर के अंदर एंटर होने का, वो यहां पर बनाना है। इससे आप एंटर होते ही ये जो आपका पूरा एरिया रहेगा, ये पूरा आंगन रहेगा, यानी कि आपका लिविंग एरिया रहेगा। आंगन को पूरा वास्तु शास्त्र के अनुसार छोड़ें, कभी भी आंगन के जो कॉलम वगैरह हैं वो कभी भी ब्रह्म स्थान में नहीं आने चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष के यहाँ पर ब्रह्म स्थान होते हैं। अगर आपके जो ब्रह्म स्थान में आपके जो कॉलम वगैरह आ रहे हैं, बीम वगैरह आ रहा है, तो वो बहुत अलग चीज होती है, यानी कि वो अशुभ माना जाता है। तो इस चीज से हमेशा बचना चाहिए। ये जो आपका कॉर्नर रहेगा आंगन का, ईशान कॉर्नर, तो यहाँ पर आपको पूजाघर, ओपन पूजाघर बना सकते हैं। आप अलग सेपरेट पूजाघर बनाएं तो भी इस एरिया को ओपन रहेगा पूरा, आप इस एरिया को कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूजाघर बनाना है। अब देखिए आंगन का एक गेट आपके पूर्व की तरफ है और एक गेट हमने इस गैलरी में उत्तर की तरफ दिया, तो आपका घर काफी शुभ हो गया है। जिस घर में पूरब और उत्तर में दोनों तरफ ओपन एरिया रहता है वो घर सबसे शुभ माना जाता है। तो इस घर में देखिए दोनों तरफ ओपन एरिया दिया गया है और दोनों तरफ गेट दिए गए हैं, तो काफी शुभ रहेगा। एक खिड़की आप यहां पर दे सकते हैं और एक खिड़की यहां पर दे सकते हैं ताकि आंगन में काफी अच्छी रोशनी और हवादार बन सके। उसके बाद में देखिए इस गैलरी से आप एकदम कॉर्नर में जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक लेटरिन बाथरूम दिया गया है, ताकि अगर आप बाहर से भी लेट बाथ यूज करना चाहते हैं या कोई आपका गेस्ट है वो बाहर से यूज करे तो वो यहां पर यूज कर सकता है, यूजफुल रहेगा। कॉमन लेट बाथ रहेगा, वेंटिलेशन इस साइड में पीछे की तरफ ओपन एरिया में हो जाएगा। अब आप आंगन में एंटर करके इधर एंटर करेंगे तो देखिए ये आपका अग्निकोण रहेगा, जैसा कि आपको लिखकर बता रखा है पूर्वमुखी मकान में। तो यहां पर आपको रसोईघर बनाना है,
यहाँ पर आपका गैस चूल्हा लगेगा ताकि आपकी जो महिला होगी घर में उसका फेस पूर्व की तरफ हो, पानी का जो होगा वो इस तरफ रहना चाहिए आपका, और अलमारी वगैरह वार्डरोब वगैरह हमेशा आपको दक्षिण पश्चिम की दीवार में बनाने चाहिए। अब आपके आंगन से आप ठीक इधर एंटर करते हैं तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये बच्चों के लिए स्टडी रूम दिया गया है, छोटा स्टडी रूम दिया गया है। इसकी खिड़की एक इस साइड में आप आंगन में ओपन कर सकते हैं ताकि रूम का अच्छे से वेंटिलेशन हो सके। अगर आप कूलर वगैरह एसी वगैरह लगा रहे हैं तो अभी अगर एक खिड़की होगी तो आपका वेंटिलेशन बेटर रहेगा। तो यहाँ पर इसका गेट लगेगा और ये आपका रूम हो गया। अब देखिए आपके जो आंगन के ठीक आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉमन लेटरिन बाथरूम और दिया गया है, ठीक है। कॉमन लेट बाथ आपका आंगन में दिया गया, इसका गेट यहाँ पर लगेगा। इसके ठीक इस साइड में आप एंटर करेंगे तो ये आपका नर्तकीय कोण रहेगा। नर्तकीय कोण में मास्टर बड़ा बेडरूम दिया गया है। बेडरूम की एक खिड़की आपके पश्चिम की जो रोड रहेगी, पश्चिम पीछे की तरफ हमने आपको बताया, आगे और पीछे दोनों तरफ ओपन है, तो यहाँ पर एक खिड़की निकल जाएगी जिससे इस रूम का अच्छे से वेंटिलेशन हो जाएगा, हवा और रोशनी की सुचारू रूप से व्यवस्था रह जाएगी। इस रूम की एक खास बात यह है, इस रूम के अंदर एक अटैच लेट बाथ दिया गया है, यहाँ पर एक गेट लगेगा और ये स्पेस अटैच लेट बाथ है। इस रूम में काफी आपके यूजफुल ये रूम रहेगा। मास्टर बेडरूम में हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को जो आपके घर में आपके जो माता पिता हैं या आपके दादा दादी उनका निवास करवाइए ताकि उनका आशीर्वाद लंबे समय तक आपको बना रहे। ये जो नर्तकीय कोण होता है घर में, सभी जो आपका घर होगा उसमें सबसे ऊंचा ये स्थान रहना चाहिए, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोग होते हैं पूर्व की दिशा और उत्तर की दिशा को ऊंचा बना लेते हैं, वो बहुत अशुभ होता है, अशुभ परिणाम देने वाले होता है। इन फ्यूचर बनाते वक्त पता नहीं चलता, बट भविष्य में इन चीजों को देखने को मिला है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर नहीं बने हुए होते हैं भविष्य में उनमें काफी परेशानियां आती है उनमें रहने वाले लोगों में, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर आप बनाए रहे तो अच्छे वास्तुशास्त्री से अपना घर का नक्शा बनवाइए। अगर आप हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, आप उन पर मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हैं, लाखों रुपए लगाकर आप अपना घर बना रहे हैं तो उस पर वास्तु के अनुसार ही अपना घर बनाइए ताकि आप परेशानियों का सामना करना ही ना पड़े। अब देखिए आंगन से आप ठीक तरह एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपकी सीढ़ियां दी गई है। सीढ़ियां आपको समझाने के लिए पूरा हमने एरो क्रॉस दिया है, सीढ़ियां ऐसे चढ़ेगी पश्चिम की तरफ उत्तर की तरफ घूमकर पूर्व की तरफ खुलेगी, तो पूरी सीढ़ियां वास्तु के अनुसार रखनी है। नीचे से सीढ़ियों को साफ सुथरा रखना है, कोई भी आपको पानी भारी सामान या कोई भी तरह की गंदगी सीढ़ियों के नीचे नहीं रखनी है, गंदा सामान तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब देखिए आंगन से आप इधर एंटर करते हैं तो एक कमरा यहाँ पर और दिया गया है। कमरे की एक खिड़की आपके इधर ओपन होगी, एक खिड़की आपके आंगन में ओपन हो जाएगी, एक आपका अटैच लेट बाथ इस कमरे में भी है, तो दोनों ये दो रूम है, दोनों में आपके अटैच लेट बाथ दिया गया है। बच्चों के स्टडी रूम के लिए ये कॉमन लेट बाथ हो गया, यानी इसको कोई भी यूज कर सकता है। एक कॉमन लेट बाथ आपके बाहर की तरफ दिया गया है, अगर आप बाहर से यूज करना चाहते हैं तो भी हो रहा, अगर आपके कोई ओकेजन है त्यौहार है तो आपके ये लेट बाथ वगैरह काफी यूजफुल रहते हैं। तो पूरे प्लान को आपके लिए वास्तु के अनुसार बनाया गया है। प्लान आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों में ताकि उनको भी चीज का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्लान पर बनवाना है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जिसके कमेंट जिस वीडियो के लिए ज्यादा होते हैं वो हमारे द्वारा प्लान बनाया जाता है हमेशा की तरह। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।